अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हम सब? खैरियत हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर खान और आप देख रहे हैं मुनीर खान व्लॉग्स, माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई के वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, जो आपको ये अजान तो लोग लूटते हैं, आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके बारे में आज आपको मैं कोशिश करूँगा आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूम दूँ और बताऊं कि असल में जो वीज़ा है इसकी प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या होती है और लोग और ये अजानत लोग आपसे कैसे पैसा वसूल करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीज़ा के कितने कैटेगरी होती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं। सबसे पहले जो एक वीज़ा है उसकी 48 घंटे 48 आवर, तो दूसरा है 96 आवर 96 घंटे, यानी कि 48 घंटे और 96 घंटे के जो वीज़ा है आप स्टे के लिए रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहे हैं या इंडिया से जा रहे हैं तो एमिरेट्स फ्लाइट पकड़ के एमिरेट्स एयरलाइन, उसके अलावा आपको किसी और में नहीं मिलेगा। अगर आप एमिरेट्स फ्लाइट पकड़ते हैं तो उसमें आप स्टे कर सकते हैं दुबई में 48 घंटा 96 घंटा, तो इसके लिए आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जो 48 घंटे का वीज़ा है उसकी कीमत है $25, जो पाकिस्तान का तकरीबन 4000 बनता है। जो उसके बाद आता है 96 घंटे का जो वीज़ा है उसकी प्राइस है तकरीबन, वो बनता तकरीबन $40 में, जो पाकिस्तान का बनता तकरीबन 6 से 7 हज़ार। तो असल में ये प्राइस है दोस्त। तो उसके बाद एक और वीज़ा होता है, वो होता है 1 मंथ का वीज़ा। अगर आप 1 मंथ का वीज़ा हासिल करते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $100 है, जो पाकिस्तान का तकरीबन 15,000-16,000 बनेगा। तो असल में ये प्राइस है मेरे दोस्त। तो उसके बाद अगर आप 3 मंथ का वीज़ा लेते हैं तो उसकी प्राइस है तकरीबन $224, जो पाकिस्तान का तकरीबन 35,000-36,000 बनता है। तो असल में ये प्राइस है दोस्त। तो आपको ये लोग ये एजेंट्स ऐसे ही लूटते हैं मेरे यार, कोशिश करो यार अपने आप को बचाओ यार। या एजेंट्स के पास जाते हो पहले आप सर्च करो, आपके पास मोबाइल है इंटरनेट है तो इसका कोई फ़ायदा उठाओ यार। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और दूसरा टिकट की बात करते हैं, जब भी आप टिकट लेते हैं किसी एयरलाइन की तो एजेंट्स के पास चले जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई कितने की टिकट है, उसने जितने की आपको टिकट दे दी आप लेकर चले जाते हैं। तो अगर आपने एयरलाइन की टिकट हासिल करनी है तो उसके लिए आपने सर्च करना है मोबाइल में, किसी भी वेबसाइट पर सर्च करें, सकई सकाना जो कोई बहुत सी वेबसाइट है उन पर सर्च करें, तो देखें आपको मालूम हो जाएगा कि टिकट कितने की आ रही है, विज़िट की प्राइस भी मालूम हो जाएगी, टिकट का भी मालूम हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन बुक नहीं करते तो कम से कम आपको मालूम होगा कि टिकट कितने की आ रही है, विज़िट कितने का आ रहा है, तो इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके साथ ही अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं दुबई पर वीडियोस बनाता हूं, आपको और भी मालूमात दूंगा और आप जो कुछ दुबई के बारे में पूछना चाहते हैं जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसका कोशिश करूँगा सही से जवाब दूँगा। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।